सहाबा के लिए मुस्तफा आ गया, खुशखबरी आ गई, बशारत आ गई, तोहफा आ गया। तो इस पर उलमा इस पर नार फरमाते हैं कि जो जो क़यामत तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत पर जश्न मनाएगा, रब का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने उस पर फख्र फरमाएगा। ये जेल में जाता है कि सहाबा ने झंडे नहीं लगाए, सहाबा ने लाइटें नहीं लगाई। तो सुनिए, जो सहाबा कौन सहाबा, जो सहाबा बदर के अंदर उहद के अंदर लड़े, अपनी जवानियां कुर्बान कर दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या वो अगर लाइटें होती तो सहाबा क्या लाइटें न लगाते? आपका ईमान क्या कहता है कि अगर लाइटें होती तो क्या सहाबा लाइटें न लगाते? ईमान क्या कहता है? ईमान से पूछिए। बिल्कुल लगाते, अगर झंडे होते, कपड़ा होता तो झंडियां भी लगाते। उस दौर में तो आलम ये था कि हजरत अमीर हमजा शहीद होते हैं तो इतना कपड़ा भी नहीं है कि उनको कफन दिया जा सके, थोड़ा सा टुकड़ा है, टांगों की तरफ से करते हैं तो सीना नंगा होता है, सीने की तरफ करते हैं तो टांगे नंगी होती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सीने पे कपड़ा डाल दो और टांगों के ऊपर घास काट के डाल दो। जब कफन के लिए कपड़ा नहीं है तो झड़ियां कहां से लगाते? हाँ, सहाबा ने एक मिलाद जरूर मनाया। सुनिए, जैसा सहाबा ने मिलाद मनाया क़यामत तक कोई माई कलाल मिलाद नहीं मना सकता। सहाबा ने कैसे किस रफ को गिरा कर मिलाद मनाया? सहाबा ने गुस्ताखों के वास में जहन्नम कर के मिलाद मनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सबका नबी के क़यामत तक जो मेरी गुस्ताखी करे मेरे से आबा सुन लो उसको काट के रख लो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सबा नबी जन फक्तुल हो के क़यामत के दिन तक जो मेरी शान में गुस्ताखी करे उसको काट के रख दो। तो सहाबा ने ऐसे मिलाद मनाया, सहाबा ने खत्मे नबूवत पर डाका मारने वाले, नबूवत का झूठा दावा करने वाले मुसलमा कज़्ज़ाब की गर्दन उड़ा कर मिलाद मनाया, सहाबा ने शाम फतह करके मिलाद मनाया, सहाबा ने कैसे किसरा फतह करके मिलाद मनाया, सहाबा ने उहद में लड़कर मिलाद मनाया, सहाबा ने बदर में लड़कर मिलाद मनाया, सहाबा ने खंदक में लड़कर मिलाद मनाया, सहाबा ने जवानियां लुटा कर मिलाद मनाया, सहाबा ने आजाद कटवा कर मिलाद मनाया, सहाबा ने सारे सारे घर लुटवा कर मिलाद मनाया। तो सहाबा ने ऐसा मिलाद मनाया क़यामत तक कोई माई कलाल ऐसा मिलाद नहीं मना सकता।